हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बढ़ालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो हम लोगों ने कल के वीडियो लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स को स्टार्ट किया था और हमने शुरुआत में पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टी को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन जो बीटा एलिमिनेशन को फॉलो करता है, और तीसरा हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। फिर जब हमने एनएसआर को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी कि न्यूक्लियोफाइल हम किसको कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, न्यूट्रल एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियोफाइल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट को ढूंढते रहते हैं, प्लस चार्ज को ढूंढते रहते हैं, ताकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, अटैक कर सके और बॉन्ड बना सके। तो एनएसआर रिएक्शन को हमने कैसे समझा था कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कार्बन पर अटैक करता है, CX कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ता है और हेलोजन को हटाकर उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा शो की जा रही है, इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले मैं आपको एक टर्म से और वाकिफ करवाना चाहती हूँ, जिसका नाम है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स या एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे, CN है, नॉर्मली हम ऐसे लिख देते हैं CN-, बट एक्चुअल में क्या होता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है और कार्बन पे लोन पेयर विद माइनस साइन होता है। अगर मेटल को कार्बन अटैक कर रहा है तो ये बनाएगा मेटल कार्बन बॉन्ड, साइनाइड का जो कार्बन है वो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, और अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होता है मेटल को तो MnC बॉन्ड बन रहा होता है। इसको कहते हैं नाइट्राइल, इसे कहते हैं आइसोनाइट्राइल, साइनाइड या आइसोसाइनाइड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स या एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स या एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कुछ भी कह सकते हो, ये क्या है? ये हमारे वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा अटैकिंग साइट्स होती है, बट एक बार में एक ही डोनेट करता है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, बट या तो कार्बन करेगा या नाइट्रोजन करेगा। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं, एक से ज्यादा अटैकिंग साइट्स हैं, बट एक बार में जब एक ही साइट अटैक करती है मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए या किसी भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस देखेंगे हम। इनमें से डायरेक्ट आपको कुछ रिएक्शन 1 मार्क्स में मिल सकती है, कुछ रिएक्शंस आपको डायरेक्ट कन्वर्जन में 1 of the steps में मिल सकती है। ठीक है, NCERT का एक क्वेश्चन है जो यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि अभी कन्वर्जन में कहाँ पर वो यूज होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्या है, सबसे पहली रिएक्शन जो हमारी है वो किसके साथ है, बेस के साथ। अब हमने यहाँ पर एक्वस KOH लिखा है, अगर आपको पेपर में एक्वस NaOH मिल जाता है या आपको एक्वस कोई भी बेस मिल जाता है तो कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास क्या है, RX, और हमें पता है कि हेलोजन कार्बन से क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पर कैसा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव। अब बेस है, बेस हम किसको कहते हैं, जो एक्वस एक्वस मीडियम में, वाटर में अगर हम डाल रहे हैं तो डिसोसिएट होकर OH- दें। तो ये जो हमारा KOH है ये कैसे टूटेगा, K+OH- में। अगर हम NaOH डाल रहे हैं तो वो कैसे टूटेगा, Na+OH- में। ठीक है, तो मेन जो हमें मतलब है वो OH- से है, केटायन पार्ट से नहीं है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया OH। ठीक है, तो नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव पर अटैक करेगा, यहाँ से हेलोजन को हटाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, R के साथ यानी कार्बन के साथ OH जुड़ के क्या बन गया, अल्कोहल। और अब यहाँ से जो X निकला है वो चाहे K हो चाहे Na हो, उसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, KX या फिर NaX।
तो अब इस कंसेप्ट को आपको कैसे समझना है, ऐसे मत समझो कि ये सिंपल रिएक्शन ही तो है, दिमाग में बिठाओ कि हेलो एल्केन से अगर हमें अल्कोहल बनाना होता है तो हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो जब आप कन्वर्जन करते हो, जब आप दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करते हो, वहाँ पे ही आपको बहुत बेनिफिट पहुँचाते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से देख रहे हो कि भाई जो रिएक्टेंट है उसको तोड़ दो, अटैक करा दो जोड़ दो, अटैक करा दो जोड़ दो, तो ये तो हर चीज़ में होगा। बट आपको ये भी माइंड में रखना है कि कभी कन्वर्जन में हमें हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना आ जाए तो हम उसकी रिएक्शन किसी भी एक्वस बेस के साथ करा सकते हैं। ठीक है, पढ़ने पढ़ने का तरीका होता है, बस उसी से ही समझ में आ जाता है या उसी से डिसाइड हो जाता है कि कौन पेपर में पास होगा, कौन पेपर में फेल होगा और कौन बहुत अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है, तो यानी कि जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, अल्कोहल। बाय प्रोडक्ट आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो इग्नोर मार दो। अब आते हैं NaOR। ठीक है, इसको हम RONA भी कहते हैं। अब है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि RO माइनस Na प्लस जब आता है तो इसको हम कहते क्या है, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। अगर यहाँ पे R की जगह, मतलब कोई भी कार्बन हो सकता है, यहाँ पे बेंजीन रिंग भी हो सकती है, तो अगर जैसे R की जगह एक कार्बन है CH3 O माइनस Na प्लस है, तो अब देखो एक कार्बन के लिए लिखेंगे हम मेथ, ठीक, और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास है CH3 CH2 O माइनस Na प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, Na के लिए क्या लिखेंगे, सोडियम, दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ। ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे हम, ऑक्साइड। तो क्या बन जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। ऐसे सोडियम प्रोपोक्साइड, ठीक है, सोडियम ब्यूटॉक्साइड, सोडियम पेंटोक्साइड, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास बेंजीन रिंग है और उस पे है O माइनस और Na प्लस, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम फिनोक्साइड। इसे क्या कहा जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। तो जब भी आपके ऑक्सीजन पे कार्बन हो, रिंग हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसको बना सकते हो। बट जनरल फॉर्मूला याद रखो क्या होता है, RO माइनस Na प्लस, यानी कि ये क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है हेलो एल्केन RX। अब वही चीज़, हमें पता है कि हेलोजन क्या होता है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो लोन पेयर विद माइनस साइन अटैक करेगा प्लस पे, ये यहाँ से लीव करेगा। तो देखो क्या बनेगा, इस आर को हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया, इस पर किसने अटैक किया है, ऑक्सीजन ने, और ऑक्सीजन के साथ क्या है, आर, और ये क्या बन गया आपका, NaX। तो ध्यान दो, ROR ये क्या होता है हमारा, ईथर, ये क्या होता है हमारा, ईथर। और यही रिएक्शन आपकी कौन सी होती है, याद करो अल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ते हैं विलियमसन सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मिल सकती है आपको पेपर में, ध्यान रखिएगा। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो है ये हम बोथ, चाहे सिमेट्रिकल ईथर बनाना हो चाहे अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना हो, वहाँ पर यूज़ करते हैं। हेलो एल्केन लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड से। ठीक है, तो इस रिएक्शन को पूरा करेंगे। अब ये क्या बनाएगा, नेगेटिव ने आर पे अटैक किया, हेलोजन यहाँ से निकला, तो ये बनाएगा ROR प्लस में NaX। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ईथर। इस रिएक्शन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, बोर्ड के हिसाब से बोलूँ तो आ सकती है विलियमसन सिंथेसिस। अगर अभी आप हाफ ईयरली के हिसाब से पढ़ रहे हो इस चैप्टर को और अल्कोहल आ रहा है आपके पेपर में अल्कोहल फिनोल ईथर, तो अभी आपके हाफ ईयरली में या यूटी में आपको ये मिल सकती है। अब आते हैं किस पे, वाटर पे। वाटर को, वाटर के रिएक्शन करने के ना दो तरीके हैं। एक तो आसान वाला तरीका बता देती हूँ, वैसे तो दोनों ही आसान है। देखो जैसे मान लो हेलो एल्केन है, हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, वाटर को ना तोड़ लो। वाटर कैसे टूटेगा, H+ OH- में।
ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ये यहाँ से लीव करेगा, ये बनाएगा ROH और ये क्या बनाएगा HX, ठीक है। एक तो सबसे सिंपल तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि भाई जैसे मान लो टीचर कहे नहीं भाई वाटर तो खुद ही न्यूक्लियोफाइल होता है, तुम वाटर का ही सीधा अटैक क्यों नहीं करा रहे, तुम तोड़ क्यों रहे हो, ये तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका हो गया। अगर मान लो हमें वाटर में ही दिखाना है अटैक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसमें भी दिखा सकते हैं। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको दिख रहा है कि कार्बन पे आर ग्रुप पे अल्काइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ये इसको डोनेट करने के लिए अटैक करेगा, इस पे बॉन्ड बनाने के लिए हेलोजन यहाँ से लीव कर जाएगा, क्या बना आर। आर पे किसने अटैक किया, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन को यूज किया बॉन्ड बनाने के लिए, है ना, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, और इस ऑक्सीजन पे क्या है, दो एच है, इसने डोनेट किया, इस पे कैसा साइन आएगा, प्लस, और ये लोन पेयर यहाँ पर हेलोजन निकल गया एक्स माइनस। अब देखो जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये अपने ऊपर प्लस चार्ज बियर नहीं कर सकता। हेलोजन क्या है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो भी नहीं चाहता कि उस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये दोनों अपने ऊपर से चार्ज हटाना चाहते हैं। तो हेलोजन क्या करेगा, हेलोजन आके यहाँ से प्रोटोन को ले लेगा, एच को ले लेगा, इसको भी ले सकता है, इसको भी ले सकता है, और क्योंकि बॉन्ड, अब ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, ये बॉन्ड वीक है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाएंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बाय नेचर। तो क्या बन गया ये बन गया आर ओ, इलेक्ट्रॉन आ गए इसके, और यहाँ पर ये वाला एच, और इसने क्या बना दिया एच एक्स, ठीक है। तो जब हम हेलो अल्केन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तब भी क्या मिलता है हमें, तब भी हमें अल्कोहल मिलता है, और क्या मिलता है एच एक्स मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अब आ गए हमारे एम्बिडेंटेट लीगेंड्स, ठीक है। अब इनके बारे में बात करेंगे, एम्बिडेंटेट लीगेंड्स या एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल एक ही बात होती है, लीगेंड बोल लो न्यूक्लियोफाइल बोल लो, अब क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है तो आप न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा अब आते हैं हम KCN पे। अब भाई पहले KCN के नेचर पे हम थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि जो हमारा पोटेशियम है सोडियम है ये S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और S ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास ये बहुत ही अच्छे मेटल होते हैं, इनकी बहुत ही अच्छा नेचर होता है इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं उसको लूज करने का, और क्योंकि ये बहुत जल्दी अपने आप को स्टेबल करने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को ना लूज़ करते हैं, तो इनका स्वभाव क्या होता है, ये बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। सौ बात की एक बात कि ये क्या बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। अगर ये आयनिक कंपाउंड बना रहा है तो ये इस तरीके से है, कैसे है ये के प्लस सी एन माइनस। तो जब भी हमारा कोई हेलो अल्केन आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो CN जिस कार्बन पर क्या है लोन पेयर विद माइनस साइन, वो इस पर अटैक करेगा, हेलोजन को यहाँ से हटाएगा और क्या बनाएगा RCN, और X के साथ पोटेशियम जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा KX। तो क्या बना यहाँ पर, यहाँ पर बना RCN प्लस में KX, और इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स बोल लो या साइनाइड बोल लो, साइनाइड पहले बोलते थे पुराने समय में, आजकल नाइट्राइल कहा जाता है। अब आते हैं AgCN पर। AgCN जो है सिल्वर, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये क्या है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और यहाँ पर ये कैसा बॉन्ड बना रहा है, आयनिक नहीं बना रहा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, मतलब शेयरिंग करके इसने बॉन्ड बनाया है। अब हेलोजन जैसे हेलो अल्केन में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर जो हैं इस पर अटैक करेंगे, ये यहाँ से लीव करेगा, और नाइट्रोजन ने आर पर अटैक किया है इसलिए नाइट्रोजन आर के साथ बॉन्ड बनाएगा, बाद में टूट जाएगा AgX बन जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो कंसिडर करने वाली बात है वो क्या है कि नाइट्रोजन ने अटैक किया क्योंकि कार्बन ने सिल्वर के साथ बॉन्ड बना रखा था, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पे सिर्फ क्या था अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन था, वो ऑलरेडी क्या थे आयंस की फॉर्म में थे, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जबकि यहाँ पर क्या हो रखी थी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बॉन्ड बनाने के लिए, तो नाइट्रोजन ने अटैक किया क्योंकि कार्बन फ्री नहीं था, समझ में आया। तो ये रोल होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल
सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की क्षमता रखते हैं, बट एक बार में एक ही अटैक करता है, या तो कार्बन करेगा या फिर नाइट्रोजन करेगा। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, वो बना है RNC आइसोनाइट्राइल और AgX आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड। सेम इनमें भी वही वाली चीज़ है KNO2 और AgNO2। अब जो NO2 माइनस है ये भी हमारा क्या होता है, CN माइनस की तरह एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अब जैसे पोटेशियम है S ब्लॉक का है तो क्या बना रहा है, आयनिक कंपाउंड। तो ये ऐसे है, इस तरीके से है, कैसे है, ऐसे कि पोटेशियम है और NO2 माइनस अलग है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, O माइनस, ठीक। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात आएगी, बहुत अच्छी चीज़ आप सीखेंगे, मैं बताती रहती हूँ, आपने मेरे दूसरे ऑर्गेनिक के लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे आपने ये बात सुनी भी होगी। लोन पेयर विद माइनस साइन सबसे स्ट्रांग अटैकर होता है, ये याद रखना। फिर आता है लोन पेयर, फिर आता है डबल बॉन्ड, फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड, फिर आता है इंटरमीडिएट, फिर आता है प्लस। अगर कहीं पे लोन पेयर भी है और लोन पेयर माइनस साइन भी है तो हमेशा ये पहले अटैक करेगा किस पे, प्लस पे, और नीचे वाले कभी ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ऊपर वाले ही हमेशा नीचे अटैक करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर क्या है पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन क्या करेगा, आर पर अटैक, लोन पेयर विद माइनस साइन आर पर अटैक, हेलोजन यहाँ से लीव कर जाएगा। तो क्या बनाएगा ये आर, आर पे क्या है ओ, ओ पे क्या है एन, एन पे क्या है ओ। तो यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया आर ओ एन ओ, प्लस में क्या आ गया के एक्स। बट अगर बाय चांस हमारे पास क्या होता आर एक्स, और आर एक्स के साथ क्या होता है ए जी एन ओ टू। अब ए जी एन ओ टू जो है ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे ए जी ओ एन ओ, ऐसे ए जी एन ओ टू, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों के पास लोन पेयर ही है, तो लोन पेयर में हम कैसे चेक करेंगे कि कौन अटैक करेगा। अब आप चेक करोगे कि कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि किसकी ज़्यादा क्षमता इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बाय नेचर वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, मतलब उनको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं देता। तो इन दोनों में कौन है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की है 3.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जबकि नाइट्रोजन की क्या है 3। तो यहाँ पे चार्ज क्या है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन अटैक करेगा ये यहाँ से निकलेगा। अब अटैक किसने किया है आर पर, नाइट्रोजन ने, तो यहाँ बनेगा आर एन ओ टू और साथ में क्या बनेगा आपका ए जी एक्स। तो क्या प्रोडक्ट बन गया आपका, यहाँ पर बन गया आर एन ओ टू प्लस में ए जी एक्स, ठीक है। लास्ट वाली रिएक्शन तो बहुत ईजी है, सिल्वर एसीटेट, इन्होंने तो खुद ही हमें चार्ज के फॉर्म में दे दिया है। आर एक्स है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या होगा आर सी ओ ओ माइनस ए जी प्लस है। तो मैंने बताया है कि माइनस लोन पेयर विद माइनस साइन सबसे स्ट्रांग अटैकर, ये प्लस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से लीव करेगा, तो क्या बन जाएगा आर। किसने अटैक किया, ओ ने, ओ के साथ क्या है कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड ओ होता है, और फिर यहाँ पे क्या है आर, और ये क्या बनाएगा ए जी एक्स, मतलब क्या बन गया, ये बन गया एस्टर, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन भी आपको ध्यान रखनी है, तो यहाँ पर बना दीजिए आर सी ओ ओ आर प्लस में ए जी एक्स, ठीक है। आप चाहो तो साइड में रिएक्शन वगैरह भी करके ना लिख सकते हो अपने नोट्स में, तो उससे क्या होगा जब आप रिवाइज करोगे बोर्ड के दौरान तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। अब देखिए मैं वहाँ पे लिखना भूल गई थी, जो आपका ये प्रोडक्ट बना था आर ओ क्या बना था N डबल बॉन्ड O, इसका नाम लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। और जो RNO2 बना था आपका, इसके लिए लिख लीजिए नाइट्रो एल्केन्स, इनको नाइट्रो एल्केन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है आपकी
रिएक्शन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एनसीईआरटी कन्वर्जन में ये यूज हो रही है, आएंगे इस पे। अभी देखिए क्या है, अब हम रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, हेलो अल्केन की, किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। अब फिर से वही लिथियम क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट, तो कैसा बनाता है आयनिक कंपाउंड, तो लिथियम प्लस एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये ऐसे रहेगा, और एल्यूमिनियम भी कैसे होता है, एल्यूमिनियम ऐसे रहेगा और इस पे क्या रहेंगे हमारे, चार हाइड्रोजन रहेंगे, तो ये यहाँ से हाइड्राइड रिलीज करता है। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, एच नेगेटिव, और वो एच नेगेटिव जाकर इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से हटेगा और क्या बन जाएगा, आर एच। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये इसका रिडक्शन करके क्या बनाता है, ये बनाता है अल्केन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अमोनिया पे, अमोनिया की रिएक्शन देखते हैं। अब अमोनिया में देखिए क्या है, हेलो एल्केन है, हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर अटैक करेंगे प्लस पे, हेलोजन यहाँ से लीव करेगा और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आर एन, नाइट्रोजन ने डोनेट किया है इसलिए प्लस, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, तीन एच है। एक्स माइनस आएगा, कहेगा भैया मुझे नेगेटिव हटाना है, नाइट्रोजन कहेगा मुझे भी पॉजिटिव हटाना है, तो आदान प्रदान करेंगे, ये यहाँ से ले लेगा एच और ये यहाँ से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आर एन एच टू, और आर एन एच टू को हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं अमीन्स। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी, ये है आर एक्स प्लस में आपका है ये सोडियम एसिटाइलाइड है, एन ए प्लस सी माइनस ट्रिपल बॉन्ड सी एच, क्लास 11th की रिएक्शन है ये, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ते हैं। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से लीव करेगा, क्या बनाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस में एन ए एक्स। अब देखो इसको कैसे पूछा जाता है, मैं आपको कह रही हूँ ना कि इनको सिर्फ ऐसे मत रटो कि ये इस पर अटैक कर रहा, ये निकला ये बन गया, इसको ऐसे समझो कि किससे क्या बना रहे हैं हम। अब जैसे ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन सपोज क्या आ गया आपको कि भाई इथेनॉल है और इथेनॉल को कन्वर्ट करना है ब्यूट वन आइन में, ऐसे है सपोज क्वेश्चन, तो इथेनॉल का मतलब क्या है, एथ मतलब दो कार्बन, ओल मतलब, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, ओल मतलब एल्कोहल है, और यहाँ पर हमने क्या लगा रखे हैं, हाइड्रोजन। अब एल्कोहल से पहले हेलो एल्केन बनाओ, क्या क्या पढ़ा था, एच एक्स डाल सकते हैं, पी सी एल फाइव डाल सकते हैं, मतलब पी एक्स फाइव पी सी एक्स थ्री डाल सकते हैं, एस ओ सी एल टू डाल सकते हैं बेस्ट मेथड, तो हम क्या करेंगे इसमें एस ओ सी एल टू डाल देंगे, क्या बनाएगा ये बनाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एल। ठीक है, और ये बाय प्रोडक्ट एस ओ टू और एच सी एल जो है ये बाहर निकल गए हमारे। उसके बाद हेलो एल्केन बन गया, अब हेलो एल्केन की रिएक्शन ब्यूट यानी कि चार कार्बन बना रहे हैं, तो इससे करा दो, कन्वर्जन है ये एनसीईआरटी, एन ए प्लस सी माइनस सी ट्रिपल बॉन्ड एच हो गया नेगेटिव। अब देखो ये अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो लोन पेयर विद माइनस साइन यहाँ अटैक करेगा, हेलोजन यहाँ से लीव करेगा, क्या बन जाएगा ये सी एच थ्री सी एच टू, इस पे किसने अटैक किया, कार्बन ने, और यहाँ क्या है ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है, और वो बाद में अन्य सी एल जो है वो निकल जाएगा, माइनस में आप लिख सकते हैं इसे। तो इस तरीके से ना ये क्वेश्चन यूज हो सकते हैं, समझिए इसको। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, और एक और रह गया इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आर एक्स है, हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, पार्शियल नेगेटिव, आर पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है आर माइनस और क्या है एम प्लस, तो नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, ये यहाँ से निकलेगा और ये क्या बन गया आर आर, और ये क्या बन गया एम एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया हायर एल्केन। ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया था जो हमने यहाँ से बनाया था, ये बन गया था आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस में एन एक्स, इसको हम बोलते हैं हायर एल्काइन।
मतलब ट्रिपल बॉन्ड बना दिया हमने एक तरीके से चेन के अंदर, ठीक है, नोट करिए उसे।